नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए वीवीआई शॉर्ट गेस क्वेश्चन लेकर आ गया हूं फॉर एग्जाम 2020 के लिए। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 6 है। यदि पार्ट 1 से लेकर आप 5 तक नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर अवश्य विजिट करें और अच्छी तरह से एक एक वीडियो को पार्ट बाई पार्ट करके देखिए और उससे सभी प्रश्नों को उसको कॉपी में राइट डाउन करिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करके जाइए। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारणी के प्रगुणों का प्रयोग करके इसका क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जो दिया गया है मैंने उसको एक बार लिख लिया। ठीक है, अब मैंने सोचा कि इसमें अगर ए बी सी ए बी सी ए बी सी से गुना कराते हैं तो हमारा, देखिए अगर यहाँ पे ए बी सी लिखिएगा तो ए बी सी से तो ए थे कट जाएगा तो बी सी बच जाएगा। यहाँ पे ए बी सी लिखिएगा आप गुना में तो बी काट देगा तो सी ए बच जाएगा। यहाँ पे आप ए बी सी लिखिएगा तो सी कट जाएगा तो ए बी बच जाएगा। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारा, ये जो है सी वन और सी टू का वैल्यू हमारा अवेज होगा, समान आ जाएगा। तो इस पूरे मैट्रिक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना। तो सी वन में हमने क्या किया, ए बी सी से गुना कर लिया। ठीक है, देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे हम एक बटा था ना, यहाँ पे ए तो ए बी सी से गुना कराया था बी सी बच गया। यहाँ पे हमारा क्या था, बी था ना, तो एक बटा बी से कट गया तो ए सी बच गया। यहाँ पे क्या था, सी था ना, तो सी कट गया तो ए बी बच गया। और जब गुना कीजिएगा तो भाग भी करना पड़ता है ए बी सी से, तब ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कर दिया भाग। अब इसके बाद देख रहे हैं कि हमारा ये सी वन और सी थ्री क्या हो रहा है, मान हमारा बराबर है, यानी इसके अव्यय जो है बराबर दिख रहा है। तो ये पूरे मैट्रिक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जीरो से जब गुना कराएंगे तब सब हो गया हमारा जीरो, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, जीरो आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलज निकालना है। तो मैं पहले वाले को यू मान लेता हूँ, दूसरे वाले को भी मान लिया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, मैं इसमें एक्स के स्थान पर टैन थीटा ले लेता हूँ क्योंकि सूत्र होता है। यहाँ भी एक्स के स्थान पर टैन थीटा ले लूँगा तो मेरा एक सूत्र बन जाएगा। चलिए लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टैन थीटा ले लिया और यहाँ पे पुटिंग कर दिया। ठीक है, तो पुटिंग कर दिया तो ये किसका मान होता है, ये साइन टू थीटा का होता है। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, खत्म, तो टू थीटा बच गया ना, ये यू का मान आ गया। अब वी वाला में भी भर रहे हैं तो देखिए टैन थीटा वही भर रहे थे एक्स के स्थान पर। तो देखिए इसका मान किसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा का, सूत्र होता है ना कॉस टू थीटा का, ये सूत्र होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस से कॉस इनवर्स खत्म हो गया तो टू थीटा बच गया। अब देख रहे हैं यू और भी का मान, हम अगर मैं समीकरण इसको एक मान के चलूँ और इसको दो मान के चलूँ तो एक दो समीकरण से हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये दोनों मान क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यू बराबर भी लिख सकते हैं हम एक दो से। अब एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करके देखिए तो यहाँ पर डी यू बटे डी एक्स और यहाँ पर डी वी बटे डी एक्स हो गया। अब चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं ना, इसको काट सकते हैं तो डी यू बराबर डी वी हो जाएगा। अब उसके बाद में आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये डी वी इधर बटा में भेज सकते हैं। देखिए डी यू बराबर डी वी और डी वी अब हमारा बटा में आ गया तो यहाँ पे क्या आया, कुछ नहीं तो वह एक है ना, तो इसलिए डी यू बटे डी वी का मान हमारा क्या आया, वन आ गया। यही राइट इसका आंसर हो गया। अब अगले सवाल को देखते हैं। ये देखिए कहा जा रहा है कि ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रहा है, जीरो से वन एक्स एक्स वन माइनस एक्स के पावर 99 डी एक्स का मान निकालना है, ये माने समाकलन करना है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, बस इसमें जो वन माइनस एक्स है ना, इसको आप टी मान लीजिए। टी मानिएगा तो एक्स का अवकलज जीरो हो जाएगा और यहाँ पर माइनस वन बच जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसके बाद में अवकलज देखिए इधर हम तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं तो डी एक्स हो जाएगा, ये हमारा उधर गुना हो जाएगा तो माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब इसको मान पुटिंग करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लिमिट भी चेंज, ये अगर हमने मान लिया तो चलिए लिमिट ही चेंज कर देते हैं। तो एक बार हम वन लेते हैं लिमिट। ठीक है, देखिए वन लिया तो क्या, कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे एक्स के जगह पे वन पुट करना है। तो एक्स के जगह पर आप वन पुट करिएगा तो वन में से वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एन टी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, जीरो आ गया। ठीक है ना, अब फिर लिमिट हम ले रहे हैं आपका जीरो ले ले रहे हैं, जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए हमने जीरो ले लिया। ठीक है, तो जीरो अब कहाँ पे पुटिंग करना था, यहाँ पे जीरो भरिएगा तो वन में से जीरो तो वन आ जाएगा टी का मान।
अब यहाँ पे हम लिमिट क्या कर लिए, तो हमारा एक्स एक्स वन लिए हैं तो जीरो आया है, जीरो लिए तो वन आया, लिमिट भी चेंज कर ली। अब क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा माइनस क्या आया था, डी टी आया था ना, तो माइनस बाहर लिए, डी टी लिख दिए। और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे देखिए आपको एक्स के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से एक्स का मान निकालूंगा अगर, तो क्या आएगा, वन माइनस टी आ जाएगा ना, इस टी को इधर ले लूँगा, इधर एक्स भेज दूंगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये एक्स को मैं उधर लेकर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले से वन है, ये प्लस था टी तो उधर गया, तो माइनस टी, ठीक है, यानी कि एक्स के स्थान पर टी वन माइनस टी भर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे तो टी ही भरना है, तो वही मैंने किया है, वन माइनस टी और यहाँ पे टी भर दिया, 99 था तो 95, और यहाँ पे माइनस डी टी आया था ना, यहाँ पे देखिए डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी भरना था, तो माइनस को बाहर हमने ले लिया। अब क्या करना है इसके बाद में, अब इसके बाद मल्टीप्लाई, एक से करिएगा तो टी के पावर 99, और एक बार यहाँ पे करिएगा तो वन और 99 कितना हो गया आपका, 100 हो गया ना, एक और 99 100 हो गया ना। अब इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए एक जुड़ेगा ना, और बटा उसी वही लिखाते हैं, तो 99 एक 100 हो गया, बटा 100 इसमें भी एक जुड़ेगा, तो 100 में एक, तो 101 बटा 101, एक बार जीरो भरना है, एक बार एक भरना है, तो चलिए मैं पहले जीरो भर लेता हूँ टी के स्थान पर, तो मैंने जीरो भर दिया, तो यहाँ पे भरे तो इसमें भी भरना पड़ेगा ना जीरो, तो जीरो भर दिए। उसके बाद एक बार इसको भरना है, तो माइनस करेंगे, सूत्र में माइनस होता है, ये पहले से माइनस है तो उसको छोड़िए, यहाँ पे आपको अपकी वन भरना है, तो लीजिए इसमें वन भरिए, यहाँ पे टी जहाँ जहाँ है वन भर दिए। अब इसको कैलकुलेशन, तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, ये भी जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए के पावर कितना हूँ 100 दीजिएगा, तो 1/100 हो जाएगा, और ये आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये 1/ कितना हो जाएगा 101, यानी कि 1/100 और 1/101, देखिए ये माइनस से कर दिए तो इतना आया हमारा। अब इसके बाद में इसका एलसीएम लीजिएगा इनटू, तो 100 में 101 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 10,100, ये 101 में 1 से तो 101, यहाँ पे 100 में 1 से तो 100, और घटाने पर हमारा 1/ क्या आ गया 10,100, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल को देखते हैं, हल करें dy/dx +2y tan x sin x, ठीक है। तो आप इसको अगर हम dy/dx py = qx सूत्र होता है, इसे तुलना कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं y है, यहाँ पे भी y है, तो बच गया जो p हो जाएगा ना, तो 2 tan x क्या हो जाएगा आपका, p का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ q का मान क्या हो जाएगा sin x, तो देखिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक निकालते हैं, IF e^(∫pdx). तो आप यहाँ पे देखिए p के स्थान पे 2 tan लेना है, तो 2 बाहर आ गया, tan है तो tan x, यहाँ पे dx लगाना होगा ना। अब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो 2 और इसका tan log x, tan x का क्या होता है, log sec x होता है, ये अब पावर में चला जाएगा ना, n है तो ये पावर m के पावर n हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए log e से क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो आपका बच जाएगा sec²x, ठीक है। अब देखिए इसलिए सूत्र क्या हो जाता है, y(IF)∫q(IF)dx+c। अब यहाँ पे अब y ऐसा ही छोड़ दीजिए, IF का मान आया है ना, sec²x भर दीजिए, q का मान हम लोग दिए कितना दिया था, q का मान sin x, तो sin x भर दीजिए यहाँ पे, और इसका मान हम निकाले हैं ना sec²x dx। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, कि sec² को आप 1/cos² लिख सकते हैं, और sin/cos 10 हो जाएगा, 1 बच जाएगा sec x, ठीक है, यानी कि आपका इस तरह से हो जाएगा y sec² और यहाँ पे sin और 1/cos² dx है, +c है। तो अब देखिए sin/cos क्या हो जाएगा, tan, और बच जाएगा 1/cos, तो sec हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए sec² है, तो sec² sec x * tan x क्या हो जाता है, इसका sec x हो जाता है इंटीग्रेशन, और +c है, तो c यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल को देखते हैं, ये कहा जा रहा है अगला सवाल कि यदि f रिलेशन R से है, ठीक है, R का संबंध R से है, तो क्या आपका कहा जा रहा है कि fx जो है आपका 4x³-7 द्वारा परिभाषित हो, तो दिखाइए कि f एक एकाकी आच्छादक फलन है। तो सबसे पहले हमारा f जो है रिलेशन R से, R का संबंध दिखा रहा है, तो fx बराबर कितना दिया था हमारा, 4x³-7 दिया था, तो इसको मैंने लिख दिया। अब एकाकी के लिए हम क्या चेक करेंगे, एकाकी के लिए सबसे पहले ये मानना पड़ता है f(x₁)f(x₂). अब f(x₁) जहाँ पे x है ना, वहाँ पे 1 कर देना है, जहाँ जहाँ x है, और इधर आपको 2 कर देना है, तो जो हमारा यहाँ फलन है, तो यहाँ पे x है, तो इसके 1 कर दूंगा, उधर साइड में 2 कर दूंगा,
यहाँ पे वन, एक बार उधर टू, तो देखिए मैंने भर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखिए ये सेवन से सेवन माइनस ख़त्म हो गया, बच गया ये वाला, तो ये भी। अब देखिए यहाँ फोर से फोर कट गया, अब बच गया यहाँ पे क्यू, एक्स वन का क्यू, वाई एक्स टू का क्यू, अब यहाँ पे होल क्यू, होल क्यू क्यू से क्यू कट जाएगा तो एक्स वन बराबर एक्स टू, तो ये दोनों सेम आ जाता है, तो ये कह कि ये जो एफ एक्स हो जाएगा, ये कह कि फलन हो जाएगा। पुनः हम लेट कर लेते हैं, जो हमारा फलन दिया था उसको वाई मान लेंगे, ये जो फलन दिया है ना इसको वाई मान लेंगे, ठीक है अच्छादक के लिए। तो अच्छादक के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम वाई का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालना है, तो ये वाई है, ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस, और यहाँ पे फोर सटा है तब फिर बटा में भेज दिए, और क्यू है ना तो ये चला जाएगा, यानी कि इसका घन के रूप में हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स बराबर आपका घन कितना, वाई प्लस सेवन बाई फोर, ठीक है इसका घन। अब यहाँ पे y जो होगा यहाँ पे प्रत्येक के लिए, ठीक है ना, y के प्रत्येक के लिए r में जो है सम सह प्रांत हो जाएगा, r में जो है यानी कि संबंध में r में क्या हो जाएगा, y के प्रत्येक मान के लिए आपका सह प्रांत होगा, इसलिए आच्छादक फलन हो गया। और जब आच्छादक हो गया तो हमारा क्या चेक करना था, एकाएक ही एफ एक्स एकाएक फलन और आच्छादक दोनों चेक हो गए ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।